हाय गाइस, वेलकम टू माय अनदर ब्लॉग। तो अभी हम लोग ये होटल में रुका था, अभी इधर से निकलने वाला है। तो हरिद्वार तक पहुंच गया, तो अभी आगे देखते हैं कहां तक पहुंचते हैं। देख सकते हैं बैग से पूरा पैकिंग कर लिया। हे ब्रो, हाउ आर यू? बढ़िया है ब्रो, बढ़िया। इस तरफ भी है। बढ़िया 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 है ना। अभी सोन प्रिया सोन पे ये रुका था क्या? बाहर का नजारा है। आइए भैया के इधर पे चाय पीने। अभी हम लोग यहाँ से निकलने वाले हैं। गाइस, जो कैब बुक किया था वो आ गया। फाइनली गाइस, हम लोग अभी जाने वाले हैं यहाँ से। ये देख रहे हैं, ये हरिद्वार का मतलब कुछ नज़ारे है। यहाँ से इतना भीड़ है, क्राउड ज़्यादा है यहाँ में, तो आगे जाके देखते हैं क्या होता है। 8:40 को हम लोग यहाँ से निकल गए। भैया वहाँ तक कब तक पहुँचेगा हम लोग? मुझे ट्रैफिक बताएगा। नहीं, ऐसे ऐसे डुबो कितने हैं? 7-5, 6-7 घंटे लगते हैं। 6-7 घंटे ना, ट्रैफिक तो ऐसे भी ज़्यादा ही है। ट्रैफिक मिल गया तो फिर तो लंबा ही। देख, होटल कहाँ पर है इसके बाद? होटल से कुछ भी बुक तो नहीं किया है, ऐसे ही करेंगे ना बुक हम। हाँ ठीक है ठीक। गंगा पूल गाइस, बद्रीनाथ यहाँ से 318 किलोमीटर है। 318। तो गाइस, आप लोग जो सीन देख रहे हैं, ये सारे के सारे गंगा पुल के सामने जो आगे वाला मतलब जगह है वो प्लेस है ये। और गाइस मतलब ये पूरा का पूरा पहाड़ है, और पहाड़ का ऊपर में भी घर है। ये आप लोग देख रहे हैं, ये इसको घर, हर जगह घर पहाड़ का ऊपर। मैं नहाने वाला दिखता है ना, ये यही है। देखिए तेलम हरिद्वार की प्रसिद्ध है केसरी महाराम। पेट्रोल का प्राइस है 93.26। बढ़ बढ़ के आए नहीं पता हिलाने से क्या होता है, बट हिला दे थोड़ा ना, थोड़ा हिला दे क्या होता है देखते हैं। पेट्रोल डाल के हो गया, अभी यहाँ से निकल रहे हैं अभी हम लोग। अब जैसे कि देख सकते हैं पेट्रोल पंप में इतना भीड़ है, तो आगे और क्या होगा। गाइस एक बात और जानने को मिला, रजिस्ट्रेशन कार्ड स्लिप होने से नहीं होगा। हाँ। इधर आके फिर क्या क्या चाहिए? ट्रिप कार्ड चाहिए ना। ट्रिप कार्ड फिर यहाँ में आके ले रहे हम लोग। ट्रिप कार्ड चार डैम में था रजिस्ट्रेशन। अभी जो हम लोग नीचे में था ये दिख रहा है आप लोग को, अभी पूरा ऊपर आ गया, जन्नत पे पहुंच गया।
ये जन्नत है यार, फोटोशूट वगैरह हो गया। अभी हम लोग फिर यहाँ से आगे तक निकल रहे हैं। ये वाला व्यू देख के अंदाज कर सकते हैं आप लोग हम लोग कहाँ पे हैं अभी। लुक एट द ब्यूटीफुल प्लेस यार गाइस, मैं आउट ऑफ टेन में आउट ऑफ टेन दे दूंगा, 10 में से पूरा 10 ले लो भाई, इतना मस्त जगह है यार। हम लोग को यहाँ से घूम घूम के आगे जो रास्ता दिख रहा है ना, ये वाला रास्ता से जाना है। ये काफ़ी ऊंचाई भी है। इतना मज़ा प्लेस है यार, क्या बोलूँ, कुछ आवाज़ें नहीं निकल रहे हैं मेरा मुंह से। इतना अच्छा प्लेस है यार गाइस, पहाड़ पहाड़ पहाड़। सुकून चाहिए तो ना, जन्नत चाहिए तो ना, आ जाओ यार केदारनाथ घूमने। जब केदारनाथ जब जाओगे ना तो इस सारे पहाड़ पार करके जाना पड़ेगा। एक्सीडेंट वगैरह यहाँ कितना होता है भैया? टर्निंग कैसे है? तो बाहर की गड्डी आप है ना, पता तो रास्ता नहीं। हाँ वही करे यार, कर गाइस जन्नत जन्नत बोल के सुना था ना, जन्नत असली जन्नत तो यहाँ पे है गाइस, असली जन्नत। आगे और भी दिखने मिलेगा ऐसे जन्नत।
आते आते कितने दूर पहुंच गया पता ही नहीं, और पहले कभी आए नहीं इसलिए काफ़ी मतलब नेट में देख देख के आना पड़ रहा है। और पहाड़ कर बात क्या करो, पहाड़ मतलब आगे भी पहाड़ पीछे भी पहाड़ हर जगह पहाड़ ही पहाड़। तो आगे आते आते हम लोग को ये मंदिर दिखाई मिला है, तो सोच ले कि ये मंदिर में चले जाएं जय माता की। तो हम लोग घंटी बजा के निकल पड़े। क्या ब्यूटीफुल नज़ारे है, चारों तरफ पहाड़ 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 और पानी नदी एक पानी की नदी एक, और मिडिल अंदर में है आपका मंदिर। और ये लोग देखो उन लोग कैमल इधर में, तो आगे जाके मंदिर और आगे काफ़ी काफ़ी नीचे है मतलब काफ़ी ऊंचाई से नाम रहे है अभी। इतना अच्छा नज़ारे यार, बहुत अच्छा लग रहा है, फील बहुत अच्छा लग रहा है अभी, मतलब क्या बोलूँ मैं। आप लोग जो वीडियो में देख रहे हो ना उससे तो काफ़ी बेहतर है अपनी आंख से देखने में, बड़ा ही मज़ा आ रहा है अभी हमको, टोटली एंजॉयमेंट कर रहे हैं। के लिए सहयोग राशि यदि कुछ देना चाहता है तो इस चांद पे आप दान कर सकते हैं अपने श्रद्धा के अनुसार। काफी
काफी ऊंचाई में है, चला नहीं जा रहा है। फिर मंदिर का दूसरे साइड पे एक ब्रिज दिखा, तो वहाँ पे भी हम लोग जा रहे हैं, जाके फोटो शूट वगैरह शूट करनी है। बहुत ही अलग किस्म का प्लेस है ये। यहाँ ये मंदिर था, देखो कैसे आता है यहाँ से इस तरफ, फिर इस तरफ ऊपर चढ़ के ऊपर, ये भी काफ़ी ऊपर चढ़ना पड़ेगा। पहाड़ों में आने का मज़ा ही कुछ अलग है। आप लोग देख सकते हैं मेरा चारों तरफ पहाड़ ही पहाड़ है, आगे देखो दाएं बाएं पीछे हर जगह पहाड़ ही पहाड़। लुक एट द ब्यूटीफुल मोमेंट, ब्यूटीफुल नेचर है यार। कैसे बनवाए यार इतने घर, वो भी इतने पहाड़ की चोटी पर। ये देख सकते हैं आप लोग इतना ऊपर से पहाड़ से गाड़ी लोग आ रहे हैं, ये देख सकते हैं हर जगह पहाड़ी पहाड़ हर जगह। गाइस व्यू तो दिख रहा है आप लोग को, और साथ में देखो उत्तराखंड का और लोग है। गाइस ये नज़ारा देखो गाइस, रूम ये है साथ में ये नज़ारा के साथ, ओ माय गॉड। और केदारनाथ के लिए देख सकते हो गाड़ी लोग, देखो गाइस इतना दूर दूर तक कहाँ से जामे, देखोगे देखिएगा ये बिल्डिंग के सामने में देखो, यहाँ से जाम है, जाम 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 जाम, ये देख सकते हैं आप जाम, ये इधर से जाके फिर ऊपर यहाँ पे जाम जाम है। और ये दिख रहा है ये ऊपर लास्ट तक एंडिंग तक, और यहाँ से जाके लास्ट ये है यहाँ तक जाम नज़र आ रही है। यहाँ पे एक दो चल रहे हैं बस, बाकी सब सारा का सारा जाम है, चलता हुआ जा रहा है, अभी यहाँ जाके फंस जाएगा। जन्नत है यार, जन्नत है, देखो 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 हर जगह। अभी मैं जूम करने वाला हूँ, आप लोग देखो अच्छे से गाइस, ओह माय गॉड, अब इट्स पॉसिबल यार। गाइस फाइनली अच्छा लग रहा है यहाँ पहुँच के, और इतना गर्मी हो रहा था
गर्मी भी थोड़ा कम हो गया इधर आके। अभी तो ठंडी लग रहा है ना, यहाँ तक आके कैसा लगा? गाइस एक चीज अच्छा लगा, जब सुबह उठे थे मतलब थोड़ा सा शहर था, उसके बाद तो सब तो पहाड़ था ना, स्टार्टिंग से पहाड़ था, हाँ शुरुआत से पहाड़, दिन भर। अभी कितना बज गया अभी टाइम? अभी टाइम हो गया 6:30, 6:30 हो गया अभी। हम लोग सुबह लगभग 8 बजे मतलब 7:45 बजे निकले थे, मतलब शुरुआत से पहाड़ मिला। अभी भी हम लोग पहाड़ में ही है और आगे भी हम लोग को पहाड़ में ही जाना है, तो सोच लो भाई। Guys, check this out, guys. What a beautiful. ये यहाँ से नज़ारे है, ओह माय गॉड, रियली टोटली अच्छा है।